सीधा आपको शिवपुर ले चलते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जो सनातन संस्कृति के साथ साथ विकास में भी भारत देश अग्रणी है, और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी मन में एक संकल्प लेकर आते हैं कि विजयपुर विधानसभा की कई सौगात लेकर आते हैं, और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपके लाडले जननायक के लिए जोरदार तालियों से आप उनसे आग्रह करें कि आज आप आए और हमें उद्बोधन दें। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनसे मैं पूरे आग्रह के साथ निवेदन करता हूँ कि आप आए और हमें उद्बोधन दें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नवरात्रि चल रही है, जगत जननी जगदम्बा और करहाल में निवराजित पनवारा देवी मैया की और हनुमान जी महाराज की, चंबल सीप कूनो नदी के किनारे जिस क्षेत्र को पूरा देश अलग निगाह से देखता है, ऐसे भोले भाले सभी प्रकार से कामों की मेहनत में लगातार डूबने वाले मेरे सभी किसान भाइयों बहनों को सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से पूरे क्षेत्र में लगातार विकास के मामले में आप लोगों ने कदम से कदम मिला के जो सरकार के साथ चलना प्रारंभ किया है, और ऐसे विकास के मामलों के आपके सारथी रहे पूर्व सांसद और हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर का। एक और सांसद हमारे बीच, हमारे पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष और बहुत अच्छे जुझारू नेता श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। और आप आपके बीच में आपकी जवाबदारी से जैसे हमारा और आपका रिश्ता बना है कि यहां इस क्षेत्र में विकास करना है, तो हमने सब प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग भेजा है, और यहां के बहुत सुयोग्य हमारे प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी का अभिनंदन करो, उनका स्वागत करें। इस अवसर पर जिनको मैंने मंत्री तो बनाया है, लेकिन जिनने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए एक संकल्प लिया कि मैं इस बात के लिए जोरदार ताली बजा श्रीमान रामनिवास रावत जी के लिए, अभी विस्तार से मैं बोलूंगा इनके बारे में, जिनने अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपने मन के संकल्प को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा, पार्टी के साथ जुड़े, मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्व विधायक भोले भंडारी, हमने महाकाल की तरह जिनको देखा है, सीताराम आदिवासी, जोरदार ताली बजाओ सीताराम जी के लिए। मंच पर विराजमान श्रीमान विजय दुबे जी, सुरेंद्र जाट जी, श्रीमती गुड्डी भाई जी, श्री ब्रजराज सिंह चौहान जी, श्री नरेंद्र बिरथरे जी, तुरसन पाल जी, प्रहलाद भारती जी, सीताराम बाथम जी, नाम तो बहुत सारे, पूरे पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन कर दो, नाम में कोई छूटेगा अच्छा नहीं रहेगा। आज थोड़े समय की कमी पड़ी, लेकिन हमने कहा है कि हमारे बीच आज का आना तो और आवश्यक था। आज वीरपुर के इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहां वीरपुर में आज सबसे बड़ी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लोगों के लिए, और जब वन प्रबंधन समितियों का कार्यक्रम करने आए तो 55 करोड़ की लागत से बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात आपको देने का काम किया है।
अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का, भूमि पूजन, लोकार्पण, पता नहीं क्या क्या है। मैं आज इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि यहाँ लगभग 7,69,00,000 की लागत से वीरपुर कुडायथा असीता में नल जल योजना का कार्य का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और युवाओं के लिए 4,34,00,000 की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो युवाओं के लिए, ये सौगात मिली है। 3,78,00,000 की लागत से श्योपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेसईपुरा में इसका उन्नयन का काम किया गया, अभिनंदन करो ये नए काम के लिए। 1,31,31 करोड़ की लागत से विजयपुर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय का भी आज उद्घाटन किया गया, जहां हमारे एसडीएम बैठेंगे। जोरदार ताली बजाओ एसडीएम के इस नए कार्यालय के लिए। भूमि पूजन 24 करोड़ की लागत से विजयपुर में 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अब 100 बिस्तरी हॉस्पिटल में उन्नयन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यही मांगा था ना आपने, सीएससी सेंटर यहां के लिए भी, चलो कोई बात नहीं, यहां भी दे देंगे। पहले विजयपुर में दिया, जोरदार अभिनंदन करो यहां भी दिया जाएगा। आप मांगो तो सही, जो जो मांगोगे सब मिलेगा। विजयपुर श्योपुर 24 गांव में पीएम जनमन योजना के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक की लागत के बहुउद्देशीय केंद्रों का भी आज भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो 14 करोड़ की लागत से। जब यह वन प्रबंधन समिति की बात कर रहे हैं तो वनों के अंदर विकास के लिए हमारी सरकार ने, और अब तो खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन में ये भाव बना हुआ है कि आज वन के अंदर हमारे अपने भाई बहन अगर निवास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीच भी जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यूनतम जरूरत है वनग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, बेचने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। चिंता मत करो, ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिए जा रहे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से एक एक गांव के अंदर विकास के मामले में, और आप तो और जोरदार भाग्यशाली हो, आपकी तो चारों उंगली काय में बोलते हैं और सिर आप तो, मैं वन के विकास की बात कर रहा हूं, मैं भूल ही गया कि वन मंत्री आपको मिल गए। जोरदार ताली बजाओ अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर के लिए। अरे बताओ, आप तो मामा का घर और मां परोस में आ जाए तो अपनी तो डबल चांदी हो जाती है, इससे बढ़िया क्या जगह होगी। हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया है तो वन तो मध्य प्रदेश में बहुत है, लेकिन वन का मंत्री एक ही विधानसभा में है, उसका नाम है हमारी विजयपुर विधानसभा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो श्योपुर जिले के अंदर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो जो विकास के मामले में आपने सपने देखे, वैसे तो आप और भाग्यशाली हो, हमारी 230 विधानसभाएं है और 203 विधानसभाओं के लिए भी जिनको विकास का संरक्षण चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, सबको संरक्षण चाहिए, और वो संरक्षण देने वाले आप भाग्यशाली हो। आपको हमने अध्यक्ष भी इसी जिले के पूर्व सांसद जी को दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए। एक एक बारीक बारीक चीज की पकड़ उनको है, एक एक काम। क्या बोला आपने, पेंटून पुल चंबल के ऊपर कहां बना रहे थे, कहां बन गया,
आपने कहा कि वीरपुर में चंबल नदी पर सबलगढ़ अटार घाट से जो ब्रिज था पेंटोन, अब वो पूरा हो गया, पक्का ब्रिज बन गया, तो ये खाली कहां ले जाओगे, ये वापस यही लगाओ। तो भैया जब हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी कहे और राम निवास जी मांगे और सीताराम जी की इच्छा हो तो मुझे भी जय जय श्री राम ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जब आपने कहा तो भैया इसमें अच्छी बात है, हमारे अपने ग्रामीण वासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटून पुल की जरूरत है तो नंदीगांव से गौघाट और नदी के पार करने के लिए पेंटून पुल भी यही बनाया जाएगा, यही लगाया जाएगा। हमारे लिए सबसे पहले क्षेत्र की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कल्पना की है वो सारी की सारी चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। आपने कहा कि वीरपुर नंदीगांव से पेंटून पुल तो मांगा है, ये इसके लाभ क्या है, ये राजस्थान की करौली माता और सवाई माधोपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। तहसील वीरपुर क्षेत्र ग्राम पांचों से गौघाट तक 4 किलोमीटर की सड़क आपने मांगी, जिसकी लगभग 6 करोड़ की 600 लाख की लागत आएगी, मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, ये सड़क भी आपके लिए बनाई जाएगी। तहसील वीरपुर क्षेत्रांतर्गत बड़ा गांव से वाया वीरपुर तेलीपुरा तक डबल सड़क, सिंगल से काम नहीं चलेगा, डबल सड़क, जोरदार ताली बजाओ, ये सड़क भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं, लगभग 1800 लाख की लागत से बनेगी। ये एनएच 552 का भाग है जो वीरपुर बाईपास प्राप्त होने से, प्रस्तावित होने से उक्त भाग को दोहरी लेन कराएंगे, अर्थात बाईपास के लिए इसका लाभ मिलेगा, यही है ना, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ, ये भी आपको देने की घोषणा करते हैं। तहसील वीरपुर क्षेत्र अंतर्गत पोलाहित गांव मोहल्ले में थोड़ा बहुत उच्चारण का दोष हो तो माफी कर देना, लेकिन आप तो आंकड़ा पकड़ लेना कितने पैसे मंजूर कर रहे हो, आपके काम की बात वही वाली है, गांव तो आपने मांगा वही मिलेगा, बोलने का टोन थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है अध्यक्ष जी, माननीय भाई साहब, बाकी मेरे भाव आप समझ रहे हो, आप दोनों हाथ से लिए जाओ, मैं दोनों हाथ से दिए जाऊंगा, हमारे आपके संबंध ही ऐसे। आपने कहा पोलाहित से ग्राम सुमरेरा 3 किलोमीटर की सीसी रोड, ये भी छोटी मोटी मांगते ही नहीं हो, 500 लाख की लागत से, चलो कोई बात नहीं, ये भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, ये आपको बधाई दे रहा हूं। वीरपुर से धोरेट मिट्टी मुरम का मार्ग, ये बनाने की आपने वन गांव के अंदर की मांग की है, तो वन के अंदर भी आपके इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको बनाना। शासकीय हाई स्कूल अर्रोदरी में नवीन भवन की निर्माण की घोषणा करवा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग की है, चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये भी बनाने की घोषणा करते, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। कस्बा वीरपुर में कॉलेज खोलने की बात कही है, मुझे नहीं मालूम कि कॉलेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, लेकिन कॉलेज में आएंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे, चलो मैं परीक्षण करा के इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं, एक परीक्षण करवाएंगे इसका। तहसील वीरपुर ग्राम हीरापुर पीएम जेएसवाई रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड पंचायत ग्रामीण विकास से जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तहसील वीरपुर ग्राम अरनोद मेन रोड से समाधियापुरा गुर्जा वाले दागी बाबा तक, क्या क्या नाम लाते ढूंढ के, दागी बाबा कैसे हो सकते, बाबा तो हमेशा अच्छे होते हैं, दांगी, अच्छा ये मैंने इसीलिए कहा, माफ करना मेरे को उच्चारण,
दांगी बाबा, जोरदार अभिनंदन, दांगी बाबा तक आपने काम मांगा है ये भी मंजूर कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल कहा है वीरपुर का, सामुदायिक उन्नयन केंद्र का परीक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपने इस पूरे कार्यक्रम का। मैं यहां पर आया जब तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई, उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं, ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है, जोरदार अभिनंदन करो, यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर एडिशनल एसपी और एडीएम एसडीएम बैठने की व्यवस्था करना है। हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठित कर दिया है, परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले, तहसील, संभाग सभी क्षेत्रों का परिसीमन करवा रहे हैं और परिसीमन के माध्यम से आबादी, सीताराम जी कह रहे आबादी करो, आबादी 15-20 गांव है। अरे सीताराम जी के तो मैं जय श्री राम कर देता हूं, उसमें क्या परेशानी है, जय जय श्री राम। आपने कहा कौन कौन से गांव में आबादी मांग रहे हैं, जहां जहां गांव में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी, कलेक्टर यहां बैठे हैं या प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, हमारे ग्रामीण जन को परेशानी नहीं आना चाहिए, ये जहां जहां मांगे वहां वहां हमको देने के प्रयास करने होंगे, मैं यहीं से घोषणा करता हूं इस सारी व्यवस्था के लिए। विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ वो अत्यंत महत्व का है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं। आने वाले समय में आप याद रखना, यहाँ कोई बीमार पड़े, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, और हॉस्पिटल छोटा पड़ता है, अभी तो वीरपुर विजयपुर की बात कर रहे हो, अगर उठा करके वीरपुर विजयपुर के बजाय ग्वालियर भेजना हो, आगरा या भोपाल दिल्ली पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर से हम लोग ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है। हेलीकॉप्टर में खाली पुराने कांग्रेस के नेता अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे, हमने सरकार में तय किया है गरीब से गरीब आदमी का हक भी हर सरकारी व्यवस्था पे होना चाहिए, और जब बीमार पड़ जाए तब तो वो डबल दर्द हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज है आसपास में तो प्लेन उतरेगा और डॉक्टर भी बैठा होगा, नर्स भी बैठी होगी, डॉक्टर के साथ नर्स और मरीज को लिटाने की स्ट्रेचर भी होगी ताकि मरीज को कष्ट नहीं हो। अगर उसको सलाइन चढ़िए, ऑक्सीजन चढ़िए, एसी के एसी स्थिति में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया, यह हमारी सरकार के भाव है। व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन मनुष्य तो है, किसी का भाई है, किसी भाई बहन का भाई है, किसी पिता की संतान है, ये चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और चिंता मत करना, ये लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करते जा रहे हैं, ग्वालियर में भी हमने करी थी और भी क्षेत्रों में कर रहे हैं, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में लगातार हमने अपनी औद्योगिक निवेश की मीटिंग की है, ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बेरोजगार युवा हमारे जितने हैं सबको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और रोजगार दिलाने में भी जो आईटी पढ़ने वाले हैं उनको आईटी में जाएंगे, जिनको एग्रीकल्चर में जाना है अर्थात कृषि के क्षेत्र में जाना है तो कृषि में वो अपनी प्रगति करे। किसी ने कहा मैं दूध दुआरी करता हूं, अपने पशुपालन का काम करता हूं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है हमारे जितने भी ग्रामीण जन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है उनको अपने पशुपालन करने में प्रोत्साहन देंगे,
10 गाय से ज्यादा जो रखेंगे उन सबको अनुदान दे करके उनका दूध उत्पादन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। और जैसे गेहूं पे सोयाबीन पे हम बोनस धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं, वो के वही एमएसपी पे खरीदने के साथ हमने दूध के ऊपर भी बोनस देने की योजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पशुपालन किया है, खेती नहीं है, तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार सबको लेके चलने के लिए, लेकिन ये सारी बातें कब होगी, जब हमारे अपने बीच, आज आपके बीच के मंत्री मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से राम निवास जी की विधानसभा में भी छवि है, यहाँ क्षेत्र में भी छवि है, इस इज्जत को बनाए रखने का काम आप सबका है। आने वाले चुनाव में राम निवास जी को आपको फिर विधानसभा में भेजना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज, सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हम सब संकल्प करो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सुयोग्य मंत्री श्री राम निवास रावत जी को, एक एक व्यक्ति जब तक अपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा में नहीं बैठेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।